हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं आपको फायर के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हाँ, किस तरह से ड्यूटी करना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग परेड करेंगे। परेड एक साथ सावधान। सावधान में हमारे दोनों एडी, जो एडी है ना, दोनों, हाँ दोनों एडी, एडी पीछे का जो एडी है, एडी से एडी मिली हुई होने चाहिए और पंजे में 6 इंच का गैप रहेगा। ये जो 6 इंच का गैप रहेगा ना, पंजे में रहेगा, ठीक है। और सावधान में हमेशा मूड बंद रहेगा, इतना ऐसा आपका मूड बंद है। और कहाँ पे रहेगा, सिलाई के पीछे हाथ रहेगा इस तरह से, है सिलाई मालूम है कहाँ पे, ये सिलाई हो गई आपकी, ये सावधान पोजिशन, ये सावधान सावधान पोजीशन, सिलाई के पीछे हाथ रहेगा ये चिपका के, ठीक है। ये हो गया सावधान, समझ गए। अभी सावधान से मुझे विश्राम में जाना है। अभी मैं सावधान में हूँ, मुझे विश्राम में जाना है, बराबर। मैं क्या करूँगा, लेफ्ट का पैर मैं उठाऊँगा और यहाँ पे करूँगा और हाथ हमारा पीछे रहेगा इस तरह, ठीक है। हाँ, अभी आपको विश्राम में जाना है। मैं विश्राम बोलूँगा तो आपको विश्राम में जाना है। विश्राम में दोनों एडी में 12 इंच का गैप होगा और पंजे में 16 इंच का गैप, समझ गए। जैसे ये 12 इंच का गैप हुआ, पंजा यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 इंच हो गया 16 इंच, और हाथ पीछे रहेगा, समझ में। अभी आप सावधान में हो, इस तरह से विश्राम, हाथ पीछे जाएंगे, ठीक है। हाथ सावधान में ये चिपका के रहेगा, बॉडी को चिपका के रहेगा, ठीक है। एक साथ विश्राम, विश्राम हाथ पीछे, हाथ पीछे कितना जाएगा, नीचे तक जाएगा इस तरह से, ठीक है। नीचे तक हाथ मुझे छोड़नी, मुझे गैप नहीं रहना, नीचे तक जाएगा, ठीक है, समझ में है। सावधान में हमारा एडी से एडी मिलेगा, पंजे में 6 इंच का गैप रहेगा और हाथ का मूठ इस तरह से बंद रहेगा और सिलाई के पीछे हमारा हाथ रहेगा और वो भी चिपका के, हाँ, और नज़र सामने रहेगी। ये हो गया सावधान। और विश्राम में दोनों पैर में 12 इंच का गैप रहेगा, 12 इंच दोनों पैर में, 12 इंच फैलाओ, 12 इंच का गैप रहेगा और पंजे में 16 इंच का गैप रहेगा, समझ में आए। अभी आप विश्राम में हो, जब सावधान में आओगे तब एडी से एडी मिली, ये एडी है हमारी, ये जो एडी है, एडी से एडी मिलेगी और पंजे में 6 इंच का, 6 इंच का गैप रहेगा। ये सावधान में, ये ध्यान में रखो, सावधान में हमारा मूड बंद होके कहाँ पे जाएगा, सिलाई के पीछे रहेगा, ध्यान में रखो। अभी हम लोग विश्राम में है, विश्राम में हमारे हाथ पीछे रहेंगे बराबर, और पंजे में 16 इंच का गैप और एडी में 16 इंच, एडी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच, ये विश्राम हुआ, समझ गए, ध्यान में रखना। विश्राम में हाथ पीछे रहेंगे, ठीक है, समझ में आए। और जब पैर चेंज करेंगे हम लोग, लेफ्ट का पैर जब चेंज करेंगे तो इतना ऊपर उठना चाहिए, ऐसा ऐसे पटकना रहता है, समझ गए। कैसे पटकोगे दिखाओ। अभी जब विश्राम में है, मुझे सावधान में आना है, मैं कैसे पटकूंगा, यहाँ से यहाँ पे एडी को दबा, ये करना है, पुश करना है, ठीक है। अभी विश्राम में रहो बराबर, हाँ। अभी विश्राम से आपको सावधान में आना है, सिलाई के पीछे हाथ रहेगा आपका, एडी से एडी मिली रहेगी और पंजे में 6 इंच का गैप रहेगा, हाँ, सिलाई के पीछे आपका दोनों हाथ रहेंगे, ठीक है। प्रेड एक साथ सावधान। हो गया तुम्हारा सावधान। सावधान में जब आओगे, आपने चेंज करते समय जो ये चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे आना और पटकना है, यहाँ पे आके पटकना है, समझ गए, ऊपर आके पटकना है ताकि आपको प्रेशर आएगा और आवाज़ आएगा एडी का, एडी से एडी को पटकना है, ठीक है। अभी आप विश्राम में जाओगे, सावधान में रहो बराबर, मूड बंद रहेगा, हाँ मूड बंद रहेगा और सिलाई के पीछे आपका हाथ रहेगा। प्रेड एक साथ विश्राम। एक साइड भी आ जाओ, हाँ
थोड़ा इधर बस, अब विश्राम में है, विश्राम में पैर देखो तुम्हारा, पैर में ये एड़ी 12 इंच और पंजे में 16 इंच और हाथ पीछे, हाथ इस तरह से पीछे देख लो, दिख रहा है? हाँ? अभी मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। सिक्योरिटी का स्पेलिंग सबको मालूम है? सिक्योरिटी का स्पेलिंग SECURITY, ये सिक्योरिटी के स्पेलिंग में ही किस तरह से हमको काम करना है ये बताया जाएगा, समझ गए? पहला अल्फाबेट क्या है हमारा? S, सिक्योरिटी का पहला अल्फाबेट क्या है? S, बराबर S से शुरुआत होती है। S यानि सुरक्षा रक्षक, आप क्या हो? एक सुरक्षा रक्षक, सुरक्षा रक्षक हो, बराबर। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है हमें, और सुरक्षा रक्षक बोला जाता है, इंग्लिश में सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है और हिंदी में सुरक्षा रक्षक बोला जाता है। आप क्या हो? एक सुरक्षा रक्षक हो। आपका काम क्या रहेगा? सुरक्षा करना, यानी जान की रक्षा। पहले हम लोग क्या करेंगे? अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना, मतलब जान की रक्षा करना हमारा काम रहेगा। पहला काम हमारा ये रहेगा, फिर बाद में हमारा काम क्या रहेगा? माल की रक्षा करना, इस प्रॉपर्टी की, इस जगह में जो प्रॉपर्टी हमारी है ये कंपनी की, उनकी हमको क्या करना है? सुरक्षा करना है, रक्षा करना है, बराबर। उसके बाद में और सबका तीसरा अल्फा, तीसरा क्या है? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? तीसरा सम्मान करना, बराबर। क्या करोगे आप? सम्मान करोगे। कैसे करोगे? पैर में अंतर रखो, पैर में अंतर रखो। हाँ, क्या करेंगे हम लोग? सबका सम्मान कैसे करेंगे हम लोग? कोई सामने आता है तब हम उनको कैसे, कहाँ ऐसा है, अभी कोई साहब आ गया, हम क्या करेंगे? जय हिंद सर, ये सलूट मार सकते हैं हम लोग, गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं, बराबर है? गुड मॉर्निंग, ये सर से गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हो। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, अभी सुबह सुबह क्या बोलोगे आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, हैव ए नाइस डे, ये हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अभी मैडम को मैंने आवाज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बोला जाता है। ये क्या हो गया? रिस्पेक्ट हुआ एक दूसरे को। आपका जो चलन है यहाँ पे क्या देखेगा? V4 सिक्योरिटी के सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे हैं, जो हमें क्या देते हैं? हमारा सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, समझ गए? पहले सम्मान करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, हाँ, इस तरह से बोल के हमको उनका सम्मान करना है, बराबर। जाने के टाइम हैव ए नाइस डे, पूरा दिन आपका अच्छा जाए, ये हिसाब से हमको उनको बोलना है। ये सुरक्षा रक्षक का पहला काम है, जान की रक्षा करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, बराबर। उसके बाद में क्या आता है? अल्फाबेट एस के बाद ई आता है, ई यानी ईगल आए, एक एक ही जाओ, ई फॉर ईगल आए, ईगल आए का मतलब, ईगल आए की मतलब चील की नज़र से हमको क्या देखना है? ध्यान रखना है, चील की नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको क्या करना रहता है? ध्यान रखना है, चारों तरफ हमको देखना है। यहाँ से हम लोग राउंड मारेंगे, हम लोग ड्यूटी करना कैसे चाहिए, डे और नाइट हो, कुछ भी हो, नाइट ऐसा हो कि ऐसा नहीं है कि हमको नाइट में कुछ देखना नहीं है, गेट बंद होने के बाद हम दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं। अगर मैं इस तरह से गया तो मैं यहाँ का देखूँगा, बराबर कि नहीं? यहाँ का आगे का मुझे दिख सकता है, यहाँ पे मैं ऐसे चलूँगा, पहरेदारी की तरह हमको ड्यूटी करना चाहिए। यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ का लेफ्ट का मुझे दिखेगा, बराबर। इस तरह से हमको ड्यूटी करना है, ईगल आई की तरह, ईगल आई की तरह दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको ध्यान रखना है। अगर कोई गलत काम करता है तो मुझे उनको रोकना पड़ेगा, समझ गए? उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सी फॉर, अगला अल्फाबेट है सी, ए के बाद। अभी मैंने देख लिया उनकी गाड़ी वहाँ पे पार्किंग है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या चाहिए? सी फॉर
करेजियस यानी धाड़स करना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे? धाड़स करना चाहिए। हर चीज़ में धाड़स होता है। अगर मैं धाड़स नहीं किया तो सामने दूसरे वाले को परेशानी हो जाती है, इन्होंने गलत काम किया और मैंने उसे रोका नहीं, मैं डर गया, मैं शर्मा गया, मैं बोल नहीं पाया उनको, उसके वजह से क्या हुआ, किसी और को तकलीफ़ होती है। मेरा काम क्या है? सुरक्षा करना। मेरा काम है माल मत्ता की रक्षा करना। मेरा काम है उनका सम्मान भी करना है। वो आएंगे लेकिन हर व्यक्ति को अपना काम बराबर ठीक ठाक से करना, इसके लिए सिक्योरिटी को रखा गया है। उनको जानकारी, किसी अजनबी को जानकारी नहीं होती, कहीं गाड़ी पार करना है, दूसरों की गाड़ी निकालना होता है, फिर ये सब चीज़ें अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा, ये अगर चीज़ें मैं ध्यान नहीं दूंगा तो क्या होगा, काम बराबर नहीं हो रहा है, किसी को और को तकलीफ होगी, फिर बाद में हमको सुनना पड़ेगा, डांट पड़ सकती है, समझ गए। तो ये इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, करेजियस। क्या होना चाहिए? सी फॉर करेजियस। सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना चाहिए? धाड़स करना चाहिए और उस समय अगर उसी समय उसको रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसी समय उनको रोकना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को? धाड़स, करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना। धाड़स करेंगे और हम उनको बताएंगे, हम शर्माएंगे नहीं, हम झिझकेंगे नहीं, समझ गए। ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हम लोग जब करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो सी हो गया। उसके बाद में सी के बाद यू, यू फॉर यूनिफॉर्म। सिक्योरिटी गार्ड को कैसे होना चाहिए? यूनिफॉर्म में हमेशा रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। जिस तरह से पुलिस रहती है, फौजी रहता है, उस तरह से उनका यूनिफॉर्म कैसे रहता है, उनके बाल कैसे रहते हैं, उनकी शेविंग रहती है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हम लोग ध्यान नहीं देते, मगर कंपनी का हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कंपनी का नाम और हमारा नाम खराब हो जाता है इसके वजह से। तो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा मैं यूनिफॉर्म में रहूँगा। क्या करूँगा? यूनिफॉर्म में रहूँगा। ऊपर का बटन लगा दो। हमेशा यूनिफॉर्म में रहूँगा, बराबर हमेशा कम से कम बाल रखूँगा और हर रोज़ सेविंग करूँगा। क्या करूँगा? हर रोज़ सेविंग करूँगा, नहीं अभी बड़ा है, इतना है, चलता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम अच्छे दिखने के लिए, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए हमारे बाल कम से कम हर रोज़ शेविंग होना चाहिए और कपड़े साफ़ सुथरे रहना चाहिए और शूज़ होने चाहिए, ब्लैक शूज़ होने चाहिए। तो ब्लैक शूज़ के ऊपर पॉलिश भी हमारा होना चाहिए, बराबर। अगर ये चीज़ है तो हम कैसे दिखेंगे? सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे, बराबर। हमारे गले में आईडी कार्ड भी होना चाहिए ताकि सामने वाले को जानकारी मिले कि मैं एक क्या हो, इस कंपनी का वी फोर्स सिक्योरिटी का गार्ड हो। क्या हो? वी फोर्स सिक्योरिटी का एक सुरक्षा रक्षक हो जो क्या करेगा, आपकी जान की रक्षा करेगा और खुद की जान की रक्षा करते हुए आपकी जान की रक्षा करेगा, सबकी रक्षा करेगा और इस यहाँ का माल मत्ते का रक्षण करेगा और सबका बराबर सम्मान करेगा, समझ गए। सम्मान करना ज़रूरी है। कोई भी आता है, गुड मॉर्निंग सर, समझ गए, वेलकम टू, कौन सा रेसिडेंसी है, निर्वाणा, निर्वाणा रेसिडेंसी, कुकरे, जो भी है आपको उनको बताना है और वेलकम करना है और उनका एंट्री करना रहेगा तो उनका एंट्री करना है। ये सब चीज़ें हमें सिक्योरिटी वाले को हमेशा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यू के बाद आर, आर फॉर रोबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत। 12 घंटे की ड्यूटी है, हमको 12 घंटे में मजबूती के साथ ड्यूटी करना चाहिए। अगर कोई चोरी करता है और भाग जाता है तो हमको उसको पकड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मजबूती होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को कैसा होना चाहिए? रोबस्ट, मजबूत। मजबूत की तरह किसी को आवाज़ देना है, किसी को रोकना है, किसी को टोकना है तो अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। मजबूती के साथ हमको ड्यूटी करना चाहिए। किसी को रोकने के लिए हमारे पास जो मजबूती चाहिए वही होना चाहिए। अगर नहीं है तो सामने वाला हमको नहीं डरेगा, समझ गए। सम्मान भी करना है और सामने वाले को
चेतावनी भी देना है, यहाँ से अलाउड नहीं है। अभी कोई रिक्शा वाला आता है पानी ये करने के लिए, हमको नहीं लेना है ये सब चीज़ें। किसी को अजनबी को अंदर लेना अलाउड नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा रक्षक हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मालिक जब परमिशन देता है उसी तरह हमको काम करना चाहिए, समझ गए। किसी अजनबी को अपने हिसाब से उनको परमिशन नहीं देना है, मालिक के अनुसार। यहाँ का SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, नियम जो रहता है, इस नियम के अनुसार यहाँ की सिक्योरिटी को काम करना है, उसी नियम से हमको काम करना चाहिए। अगर कुछ तकलीफ है तो हमारे सीनियर को बताना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रोबस्ट के बाद क्या है, आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, दिमाग, बुद्धिमान। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान के लिए क्या करोगे आप, अगर कोई आपसे सुनता नहीं है तो आप उनका कंप्लेंट करोगे क्या, उनसे उनके साथ बहस करोगे, कंप्लेंट करेंगे, आप उनका कंप्लेंट कर सकते हो। कोई हादसा होता है आप क्या 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 कर सकते हो, उनका कंप्लेंट करेंगे कि किसी ने सुना नहीं है, कोई ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो आप पुलिस को बता सकते हो। ये सब चीज़ें दिमाग में लाना है आपको, उनको फर्स्ट एड करना है, किसी को चोट आ गई है तो आप उनको दवाई करोगे। तो ये सब बुद्धिमान का काम है कि तुरंत आपको क्या निर्णय लेना है, कुछ होता है तो अपने सीनियर को आपको बताना है। ये सब चीज़ें आपके पास नहीं रखनी, आपके सीनियर को हमेशा बताना ज़रूरी है। अभी आपका यहाँ पे क्या हुआ हादसा, लिफ्ट बंद हुआ, कब पता चला आपको, विश्राम मेरो दोनों पैर में अंतर, हाँ क्या होना चाहिए, लिफ्ट यहाँ पे बंद हो गई, कब पता चला लिफ्ट बंद हो गई, जब ड्राइवर ने आपको, हाँ ड्राइवर जब आया बोला हमको गाड़ी निकालना है, हाँ मेरे को इन्फॉर्म हुआ तब, हाँ तब आप लिफ्ट ऑपरेट कौन करता है, मैं भी करता हूँ। हाँ तो सारी जब लिफ्ट वाले जब आते हैं रिपेयर करने के लिए आते हैं, आपको उनसे जानकारी लेना चाहिए कि इस तरह से आपको लिफ्ट ऑपरेट करना है। लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, अभी क्या हुआ था, आउट ऑफ कंट्रोल यानी क्या हुआ था, साइड चेंज किया था उन्होंने लिफ्ट का, प्लेट चेंज हुआ था ना। ये सब जानकारी अगर आपके पास होती तो आप, उनके आने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी ना। तो ये सब चीज़ें हमें सीखना चाहिए, आप इनको हैंड ओवर करो। आपको अगर नॉलेज है, आप यहाँ पे बहुत साल काम किए हो रहेंगे तो आप इनको बताओ ये सब चीज़ें आप लोग एक दूसरे को हैंड ओवर दे दो, एक दूसरे को बताओ, ताकि आपको आपका ज्ञान बढ़े और किसी और को तकलीफ ना हो, समझ गए। आप लोग ने अगर ज्ञान आपके पास ही रखा, आपको मालूम है, आपने आपके पास रखा, इनको नहीं मालूम है तो बोलेंगे अरे आ तू आ जा फिर बंद हो जाएगा। अभी इमरजेंसी में किसी को बाहर निकालना है, किसी को अंदर आना है, पार्किंग का इशू होगा, ये सारी चीज़ें हमें हमारे पास नहीं रखना चाहिए। हमको किन के पास रखना चाहिए, हमको जानकारी लेना चाहिए इस जगह का, समझ गए। क्या करना चाहिए हमको, कौन गया क्या देख लो फिर, समझ गए। आपकी जानकारी किसी के पास पहुंचनी चाहिए, आपने अगर देख लिया ये हुआ है तो ये अगर नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए, बराबर है। अभी हाउसकीपिंग आएंगे, वहाँ पे सारा कचरा पड़ा हुआ है, हमारा काम है निगरानी करना, बराबर है। निगरानी करते हुए मुझे क्या दिखाई दिया, वहाँ पे आपको तीन चीज़ों से आग लगती है, पता चला आपको, तीन चीज़ें कौन सी है आप बता सकते हो मुझे, हाँ हीट ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें अगर एक साथ आती है तो क्या होता है, आग लगती है, बराबर। ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं इसको, यानी इस तरह से ट्रायंगल कैसा मालूम है, त्रिकोण जो रहता है, आग एक त्रिकोण है, त्रिकोण में से एक को हमने हटा दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, बराबर। तीन चीज़ें से आग लगती है, हीट ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ हीट को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, कूलिंग करूँगा, समझ गए। कूलिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है,
बराबर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फर्स्ट एड है, जैसे छोटी आग लगती है तो हम लोग इसे हम लोग बुझाएंगे, मगर बड़ी आग लगती है तो हमारे पास ये कैनवास होज पाइप है, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जो ब्रांच पाइप है इसमें अटैच होता है, वो वॉल है उसको अटैच होने के बाद हम लोग बड़ी आग बुझा सकते हैं। तो हीट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा, यानी किससे हम लोग बुझाएंगे, हाँ ये आग हम लोग किससे बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, आग बुझाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हीट हुआ, अभी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर मुझे हटाना है तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ब्लैंकेटिंग करूंगा, क्या करूंगा, ब्लैंकेटिंग यानी चादर बिछाऊंगा, ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैंने चादर बिछा दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। अभी ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ब्लैंकेटिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ब्लैंकेट, यानी जैसे ब्लैंकेट डाल दिया मैंने उसके ऊपर, ऑक्सीजन क्या हुआ, कट हुआ, क्या हुआ, कट हुआ, तो क्या करना चाहिए, अभी अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये पाउडर बाहर निकलेगी और उसके ऊपर एक चादर तैयार हो जाएगी आग के ऊपर और ऑक्सीजन कट हो जाएगा, तो क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करता है, ऑक्सीजन कट करता है, यानी क्या करता है, ऑक्सीजन कट करता है, यानी ब्लैंकेटिंग, ऑक्सीजन को कट करना यानी ब्लैंकेटिंग बोला जाता है, हीट को हटाना यानी क्या बोलते हैं, कूलिंग करना, समझ गए, और ऑक्सीजन को हटाना ब्लैंकेटिंग करना, समझ गए। अभी लास्ट क्या रह गया है, हीट हुआ, ऑक्सीजन हुआ और फ्यूल, फ्यूल को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे आग बुझाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग पावर सप्लाई बंद करेंगे, क्या करेंगे, पावर सप्लाई, यानी फ्यूल को मैंने हटा दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी को मैंने हटा दिया तो क्या हुआ, सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद करने के बाद क्या होता है, आग नॉर्मल हो जाएगी और फिर बाद में हम लोग उसको बुझा सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं किया, मैंने हटा नहीं दिया, फ्यूल को मैंने हटा नहीं दिया तो क्या वहाँ से सप्लाई चालू है और इलेक्ट्रिसिटी की आग कैसे लगती है, फड़फड़ फड़फड़ आ जाता है ना, दोनों वायर एक साथ, यानी दोनों वायर कौन से, फेज और न्यूट्रल एक साथ आती है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है और चलना चालू हो जाता है, सप्लाई हमको इसके लिए बंद करना रहता है, यानी फ्यूल को क्या करना है, मुझे हटाना है, फ्यूल को हटाएंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से ये इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हमको इसका इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बराबर। अभी आप देख सकते हो इसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए, ये जो क्या है इसके अंदर का क्या निकला, क्या निकला, गैस निकला, बराबर। तो क्या निकला ये, अभी देखो आप हाथ लगा के देखो, कहाँ पे हाथ लगेगा तो ठंडा रहता है, देखो यहाँ पे हमको पकड़ना है, यहाँ पे है कि ना, थोड़ा ठंडा है ना, थोड़ा सा मैंने चाली, अभी हमको जब आग लगती है ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है तब हमको हैंडल को पकड़ना रहता है, समझ गए। ये फ्यूल को मैंने हटा दिया और इलेक्ट्रिसिटी की आग मैंने किससे बुझाई, किससे बुझाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे वॉल को एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज से हमको क्या करना है, घुमाना है, क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज से हमको आग को ये वॉल को हमको घुमाना है और आग को बुझाना है, बराबर। ये वॉल बराबर है, यानी वापस उसको हम वॉल को बंद करेंगे तो क्या होगा, जो गैस है हम लोग आगे चल के हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बराबर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है बराबर, इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा। फ्यूल को हटाना है, गैस को हटा दिया, गैस का वॉल बंद कर दिया मैंने, बराबर। अभी इसको हटाना है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है तो मैंने क्या बंद कर दिया, पावर सप्लाई बंद कर दिया, पहले क्या किया मैंने, फ्यूल को हटा दिया, तो बाद में फायर एक्सटिंग्विशर से मैंने क्या किया, आग बुझा दिया, बराबर। हीट को हटाने के लिए मुझे कूलिंग करना है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे ब्लैंकेटिंग करना है और फ्यूल को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई, यानी उस फ्यूल को मुझे बाजू में करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, स्टारवेशन, क्या बोलते हैं, स्टारवेशन करना। फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना, जोर से बोलो, फ्यूल को हटाना स्टारवेशन करना, क्या करना है, स्टारवेशन करना है। ऑक्सीजन को हटाना है, क्या करना पड़ेगा मुझे,
ब्लैंकेटिंग करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, क्या करना है, ब्लैंकेटिंग करना है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा, और हीट को हटाने के लिए, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना है। हीट को हटाने के लिए मुझे कूलिंग करना है, यानी पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझाना है। मगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो अपोजिट है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हमको पावर सप्लाई बंद करना चाहिए, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का इस्तेमाल, अभी जो मैंने बताया उसमें से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसका एक मेथड है। कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, पास का मेथड है। कौन सा मेथड है, PASS, पास, पास का मेथड है, बराबर। पहला अल्फ़ाबेट क्या आता है, पी फॉर ये। अभी इसको देखिए, आपने देखा है कि इसको सील ही नहीं है, यानी कोई भी कभी भी ओपन कर सकता, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसका कंपनी जो देती है तो सील लगा के देती है, बराबर। अभी इसका सील ओपन है, इसको पुल द पी, पहला अल्फाबेट क्या है, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये सील लगने के बाद ये पिन को मुझे निकालना है, बराबर है। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, आग लगती है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हम लोग बौखला जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दबाना चालू करेंगे, मगर इसमें से निकलेगा क्या, जब तक सील नहीं तोड़ा जाता है, पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को निकाला नहीं जाता तब तक आप लोग लीवर को नहीं दबा सकते। मगर उसके बाद में लीवर को हमको दबाना नहीं है, उसके बाद में हमको ये ओपन करो, निकालो इसको, ऊपर करो, हाँ ऊपर करो, ऊपर, हाँ हाँ, ये जो होस पाइप है, बराबर है, इसको क्या करना है, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मैंने निकाल दिया, फिर बाद में मैंने क्या किया, एम द बेस ऑफ फायर, क्या करेंगे हम लोग, एम द बेस ऑफ फायर, क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, यानी मैं निशाना लगाऊंगा, क्या करूंगा, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। बेस का मतलब क्या है, आग जो लगी है उसके बेस को, यानी जिसको आग लगी है उसके ऊपर फ्लेम जो आग बढ़ती है, ज्वाला के ऊपर हमको नहीं निशाना लगाना, हमको निशाना कहाँ पे लगाना है, लकड़ी को लगी हुई आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, बराबर है, तो उसको हमको निशाना लगाना, यानी बेस पे, उस जगह पे हमको निशाना लगाना। अभी ज़मीन पे लगी है तो ज़मीन को निशाना करना है, हवा में नहीं मारना है हमको, बराबर, जहाँ पे लगी हुई है, जिसको लगी हुई है, एम द बेस ऑफ फायर बोलते हैं उसको, बराबर, एम द बेस ऑफ फायर। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एम द बेस ऑफ फायर किया मैंने, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को मैं दबाऊंगा, एस फॉर स्क्वीज द लीवर, ये आपको मालूम होना चाहिए। पुल द सेफ्टी पिन, दूसरा अल्फाबेट है ए है, एम द बेस ऑफ फायर, तीसरा अल्फाबेट क्या है, एस है, यानी स्क्वीज द लीवर, लीवर को मैं क्या करूँगा, ये लीवर को मैं दबाऊंगा, फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी वापस एस है, PASS, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, एस फॉर स्क्वीज द लीवर, और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, साइड बाय साइड मुझे क्या करना है, होस पाइप को राइट लेफ्ट घुमाना है, क्या, ताकि सब जगह पे पाउडर फैल जाए जहाँ पे आग लगी है, और आग उसके बाद में ब्लैंकेटिंग क्या होगा, इससे ब्लैंकेटिंग होगा और आग बुझ जाएगी, समझ गया आपको। किसी को कुछ तकलीफ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, अभी हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो ये जो ग्रीन नीडल है, रेड कलर का है और ग्रीन है, बराबर है, हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, ग्रीन पे रहना चाहिए, ग्रीन पे रहेगा तो इसके अंदर क्या है, प्रेशर, इसमें पाउडर रहती है, मगर इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए ओके है, बराबर है, इस्तेमाल करने के लिए ओके है, ताकि इसके अंदर प्रेशर है। अभी जब हम पुल द सेफ्टी पिन करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर करेंगे, स्क्वीज द लीवर करेंगे, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, समझ गए, समझ रहे हैं आप लोग, हाँ क्या करेंगे हम लोग, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड हम लोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, बराबर। अभी ये जो बड़ी आग लगती है तब हमको क्या करना है,
तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल हमको करना है, बराबर। क्या करना है हमको? फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है, बराबर। अभी ये जो कैनवास बोलते हैं इसको, क्या व्हाइट कलर का कैनवास होस पाइप, क्या है? व्हाइट कलर का कैनवास होस पाइप है, हाँ, क्या है? व्हाइट कलर का कैनवास होस पाइप है, बराबर। उसके बाद में आगे जो है ये क्या बोला जाता है इसको, आगे क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? मेल कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मेल कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेल कपलिंग। ये जो मेल कपलिंग है जिसको लक्स नहीं है उसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं। जो फायर हाइड्रेंट राइजर है, जो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं, रेड कलर का जो पाइप है वो फायर हाइड्रेंट राइजर है, उसके अंदर ये जाएगा। क्या जाएगा? हाँ, ये जाएगा ब्रांच पर, ये मेल कपलिंग जाएगा क्योंकि वो फीमेल कपलिंग है। और लास्ट में क्या है, अभी आपने इसको क्या कर दिया, ये ब्रांच पाइप लगा दिया, बराबर है। अभी ये ब्रांच पाइप नीचे कर दो, इसको इसको उठा लो, हाँ, ये घुमा थोड़ा सा घुमा। अभी ये जो इसको क्या बोलते हैं, देखो हमने कभी यूज़ नहीं किया इसके वजह से ये बराबर गंज लगा है। अभी ये अभी ये ब्रांच पाइप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रांच पाइप। और इसके नीचे जो है वो क्या है? फीमेल कपलिंग है। और इसको जो है, अभी ये दोनों को दोनों साइड से खींचो, दोनों साइड से खींचो, खींचो जोर से खींचो, हाँ। अभी ये जो निकला, बराबर है, ये लक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये दोनों को लक्स बोलते हैं। और इसके अंदर रबर वाइसर होना चाहिए, दिख रहा है आपको? हाँ। रबर वाइसर दिख रहा है ना? अभी हम जब हमको इसको फिट करना है, ये मेल कपलिंग मेल की तरह है, ये फीमेल की तरह है, जहाँ पे वहाँ पे एक लक्स है अटैच किया हुआ, उसको उसके अंदर मेल कपलिंग डालना है, फिर बाद में आगे चल के इसको ब्रांच पाइप को इसको क्या करना है? अटैच करना है। इसको अंदर डाल दिया और लॉक कर छोड़ दिया, बराबर, समझ गए? ये खोलने के लिए हमको निकालना ज़रूरी है, खोलो, हाँ, ये मैंने निकाल दिया, बराबर। अभी जब भी अटैच करने की ज़रूरत, अटैच करने के टाइम खोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, नहीं। क्योंकि वो धक्का मारूंगा, मैं जोर से धक्का मारूंगा तो ये क्या होगा? बैठ जाएगा, बराबर। उसके लिए हमारा लक्स बराबर पावरफुल होना चाहिए, ताकि जरा भी टच कर दे, ऑयल छोड़ दिया तो अंदर जाएगा, बराबर। ये लक्स ऑपरेट तब होता है, अंदर जाने के टाइम ऑपरेट हो जाता है, मगर निकालने के टाइम मुझे खींचना जरूरी है, दोनों ऑपोजिट। कोई कोई क्या करता है, इस तरह से घुमाते रहता है ऐसा निकालने के लिए, तो निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ऑपोजिट साइड में दोनों को खींचना है, बराबर। अभी आप देख सकते हो, इसको हम लोग मेल कपलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेल कपलिंग बोलेंगे, बराबर। सबको ध्यान में आया, मेल कपलिंग एक कैनवास होस पाइप है, क्या है? कैनवास होस पाइप है, बराबर, पकड़ लो। अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, क्या बोलेंगे? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, यानी एक जगह पे स्टैंड बाय है, बराबर, एक जगह पे है, हम लोग इसको घुमा सकते हैं, मगर ये स्टैंड बाय यानी जगह पे है, बराबर। इसको वॉल बोलते हैं, अगर इसको लक्स बोलते हैं। अभी ये लक्स ओपन होगा, खोल दो उसको, ये फीमेल कपलिंग है, क्या है? फीमेल। खींचो उधर, खींचे उधर, ताकि वो निकलेगी, कैप निकलेगा, हाँ, निकल गया, बराबर। अभी ये मेल कपलिंग को क्या करना है हमको, इसको अंदर डालना है, अंदर डाल दो, जोर से दबाओ जोर से, हाँ, लॉक हो गया, बराबर। अभी इसको सीधा करो, घुमाओ इसको, बराबर है। अभी ये कैसे ऑपरेट करना है, इसको अभी कैसे निकालना है इसको, इसको हाँ वैसे ही करो दो और निकालो, उसको खींचो पीछे, हाँ पीछे खींचो बराबर, ताकि वो निकल जाए, खींचो, क्योंकि हाँ बराबर। अभी आप देख लो, अंदर डालो और खींचो, एक ही आदमी सब कर सकता है, ये साइड से आ जाओ, ये आप इधर आ जाओ, एक ये साइड से आ जाओ, हाँ आप इधर ना, आप इधर आ जाओ, हाँ इधर से करो, यानी ताकि वो ऐसा नहीं जाएगा, हाँ डाल दो अंदर, डाल डायरेक्ट जाता है। अभी कैसे हमने पुश कर दिया तो लॉक बाहर निकल गया और ये हमारा मेल कपलिंग ये फीमेल कपलिंग के अंदर चला गया, बराबर। मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग फीमेल कपलिंग के अंदर जाता है, दोनों मेल रहेगा तो नहीं जाएगा, दोनों फीमेल कपलिंग रहेगा तो नहीं जाएगा, ये मेल कपलिंग बोला जाता है और वो फीमेल कपलिंग है, बराबर। निकालना कैसे है, हाँ खींचो वो साइड में, बराबर, निकल गया, दिखाओ, हाँ ये
निकल गया बराबर, मेल कपलिंग है। अभी डाल दो अंदर, समझ गए, डाल दो अंदर, पूरा डाल दो। अभी इसके अंदर वाइसर होना चाहिए, अंदर रबर वाइसर होता है, दोनों में रबर वाइसर हो जाता है, होता है, ताकि पानी लीकेज ना हो, बराबर। अभी हम लोग उधर जाएंगे। अभी ये ब्रांच पाइप है और ये फीमेल कपलिंग, हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इधर देखो, तुम भी इधर आ जाओ। ये फीमेल कपलिंग है, क्या बोलते हैं इसको, फीमेल कपलिंग, और ये ब्रांच पाइप है, ब्रांच पाइप बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, ब्रांच पाइप बोलते हैं। ये इसमें कैसा फिट हो जाएगा, इसको इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे, इसको नज़दीक पकड़ेंगे और इसको इस तरह से अटैच कर, ये हो गया अटैच। और निकालना कैसे, हमको निकालना इस दोनों पैर के बीच में ऐसे डालेंगे और खींचेंगे और इस तरह से निकालेंगे, बराबर। ये हो गया हमारा, इस तरह से हमको अंदर डालना है ब्रांच पाइप को। ये फीमेल कपलिंग क्या है, फीमेल कपलिंग, और ये ब्रांच पाइप है, ब्रांच पाइप और फीमेल कपलिंग किस तरह से डालना है, हमको इस तरह से डालना है, बराबर। कैसे ओपन करना है, इसके दोनों पैर के बीच में फंसाना है और लक्स लक्स बोल दो उसको, लक्स को खींचना है, हाँ। अभी आप लोग बताओ कैसे, कैसे पकड़ोगे, हाँ नज़दीक पकड़ने का, ये नज़दीक पकड़ने का आपको, हाँ। और इसके अंदर डालो बराबर, जोर से बराबर सीधा डालो, हाँ सर, पूरा लॉक हुआ क्या, देखो लॉक हुआ ना, हाँ। और पकड़ना कैसे हमको, ये पकड़ लो, पकड़ना कैसे हमको, ये ऊपर रहेगा बराबर, इस तरह से पकड़ेंगे, इसके नीचे से हाथ डालो, नीचे से हाथ डालो और इधर हाथ देंगे, आपका ये जो हाथ है ना, ये इधर डालो, इधर नीचे से, हाँ। और इसके अंदर डाल दो, इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको इधर ऊपर ऊपर, लेफ्ट का पैर आगे जाएगा, ये पोजीशन रहेगा हमारा बराबर। और पीछे का जो बंदा रहेगा वो कैसा रहेगा, इस तरह से देखो, ये दोनों पैर के, ये दोनों पैर को टच करेगा और ऐसा उसको बैलेंस देगा बराबर, जैसे फोर्स आएगा पानी का, हाँ फोर्स रहेगा, ये हिसाब से उसको पकड़ सकते हैं बराबर है। फिर बाद में मांगते तो पाइप को हम लोग ऊपर ऐसा ले सकते हैं ताकि उसको ज़्यादा प्रेशर ना आए, समझ गए, यानी उसको ये आएगा। अभी ये जो प्रेशर है इस तरह से हमको पकड़ना है और आग को बुझाना है, अगर ऊपर लगे तो ऊपर से भी हम लोग बुझा सकते हैं बराबर, ऊपर है पाइप लगी है, ऊपर से ऊपर भी है, मगर इधर से हमको ये हमारा फायर एटरनाइजर इस्तेमाल करना है, तो ये हमारा पोजीशन रहेगा, इस तरह से हमको पकड़ना है एक इसके पैर के, देखो पैर को मैंने क्या कर दिया, अभी लॉक कर दिया, आगे उसका पैर नहीं जाएगा, इसको मैंने पकड़ के रख दिया बराबर, ताकि वो आगे ना बढ़े बराबर, जो फोर्स आता है पानी का वो झटका तो ना लगे इसके लिए बराबर। और अगर और दूसरा आदमी है तो ये पाइप को भी उठा के पकड़ सकते हैं ताकि उसको ज़्यादा प्रेशर ना आए और ये इसके हाथ से ना छूटे बराबर। अभी निकालो, निकाल के दिखाओ मुझे, निकाल के दिखाओ दोनों पैर के बीच में, वो कैमरे को देखो, हाँ हाँ। और फिर बाद में, हाँ अभी इसके बाद दे दो, एक एक करके दे दो सब, अभी आप पूरा दिखाओ, हाँ ठीक है चलो दिखा दो, हाँ ऐसा पोजीशन ऐसा करना है, हाँ और मैं इसको डालेंगे बराबर। और पकड़ना कैसा, पकड़ना अभी पकड़ने का दिखाओ, हाँ ये ऊपर से पकड़ो, ऊपर से ये ऐसा, हाँ ये ऐसा, ये ऐसा और ये इसके अंदर डालो ताकि आपको ग्रिप मिले, ये और पैर आगे, ये पोजीशन में आप रहोगे बराबर, थोड़ी का उसके हाथ में दे दो, एक एक करके सब लोग करो, दोनों खींचो बराबर, हाँ उसको थोड़ी ना पकड़ ले भाई, मारो ऐसे मारो, नीचे ही मारो, थोड़ा वाल चालू करो जोरा, हाँ बंद कर दे, बंद कर, नेक्स्ट दूसरा खोल के दिखा, खोल के दिखा, हाँ बराबर, पानी अपने आंख पे आना नहीं चाहिए, ध्यान में रखा, दूसरा नेक्स्ट, बस ऊपर नहीं दीवार के ऊपर ही, दीवार के ऊपर
भाई।